हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अमित में। जी हाँ, बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण, जो भी आरक्षण प्रभावित लड़के थे जिनको 6,800 पदों पर नियुक्ति मिली, तमाम जानकारी के साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, तमाम जानकारी। लेकिन जो लोग चैनल पर नए, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, 69 शिक्षक भर्ती मामले में जब से लिस्ट आई है 6,800 पदों पर, लगातार उस पर मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और लगातार उसी के एवज में लगातार अभ्यर्थियों को गार्डन में धरना भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मुलाकात, ज्ञापन, जो भी मिलने का काम लगभग सारा पूरा हो चुका। कहीं ना कहीं लगातार जो है आज उसी क्रम में अभ्यर्थियों ने माननीय योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मिलने का प्लान बनाया है। देखिए, टीम गोरखपुर मठ के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए 800 शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान करो। देख लीजिए, लगातार जो लोग हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार इस कयास में लग गए हैं कि जल्द से जल्द 800 चयनित लोगों को नियुक्ति मिल जाए। हालांकि देखा जा रहा है कि इस जो 6,800 पदों की भर्ती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेंच है जिसकी वजह से इसमें दिक्कत हो रही, क्योंकि मामले फंसे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पूरा 17-21 जो भी आरक्षण है, 21-27 वो चाहिए, और कुछ लोग जो 6,800 के खिलाफ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अभी याचिकाएँ पड़ी हैं कि यदि 6,800 लोगों को नियुक्ति दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनरल के हैं उन लोगों की भी सरकार जो है 6,800 पदों पर नियुक्ति दे। तो कहीं ना कहीं इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है जब से ये 6,800 पदों की लिस्ट आई है, उसी के वजह में 6,800 लोगों का चयन जो है रुका हुआ। लगातार उसके लिए अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं। देख लीजिए, 6,800 शिक्षकों को नियुक्ति दो, ये पत्र है 8 का, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, मामला क्या है, विषय देखते हैं हम लोग। बेसिक शिक्षा के 69 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग की 6,800 सीटों की नियुक्ति के संबंध में, देख लीजिए पूरा पत्र जारी हुआ है, सारी चीज़ें जो है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हरे को मुहिम, हरे को प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द नोटिस नियुक्ति मिल सके, और लगातार भाग दौड़ भी कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कभी कितना समय लगेगा, क्योंकि इसमें सारे मामले पे देखा जाए सारी चीज़ें जो है सरकार के हाथ में है, और ये देख लीजिए जनता दरबार गोरखपुर में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की, सरकार कब तक नियुक्ति देती है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कई बार होने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए मामला कोर्ट में है, हमारे संज्ञान में है, जब तक कोई कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देती तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि कोर्ट कुछ भी डायरेक्शन दे, सरकार सर्वे सर्वा है, सरकार मंत्री जी और बेसिक शिक्षा विभाग चाहें तो तत्काल से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है, इन्हें भटकना नहीं पड़ेगा और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात है कि मामले की सुनवाई जो जुलाई में लगी है, जुलाई के पहले इन लोगों को नियुक्ति मिलती है कि जुलाई के बाद ही मिलेगी। हालांकि लगातार अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।